अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा, आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर ये आप ये घर में शादी हो रही है, तो यहाँ पर ये ब्राइड का कुछ सामान आया हुआ, मेकअप वगैरह का, कॉस्मेटिक वगैरह का। तो चलें जी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। कपड़े वगैरह पहले मुझे दिखा दिए थे, वो मैं उसका कवर करना भूल गई थी, वीडियो बनाना। तो चलो जी, हम ये आपको दिखाते हैं, देखते हैं आप इन्हें क्या क्या लिया अपनी बहू के लिए। चलें जी, हम ये सब चीज़ें निकालती जा रही हैं, सुविधा यहाँ पर दिखाती जा रही हैं माशाल्लाह से। ये इनका मेहंदी का है, ये ड्रेस भी इसे है, पहले दिखाया ड्रेस भी माशाल्लाह इनका बहुत प्यारा है। और यहाँ पर ये इनका जोड़ा गया ब्राइड का। और यहाँ पर सारी माशाल्लाह से, कितने इसमें कलर हैं लिपस्टिक नेल पॉलिश के? 12 इसमें माशाल्लाह से नेल पेंट कलर हैं, सारे बहुत प्यारे और लाइट लाइट कलर हैं। और ये आईलैशेस हो गई, और ये दूसरे ड्रेस के साथ चूड़ियाँ हो गई वाली। ये दूसरा ड्रेस में देखाते हैं इनका, माशाल्लाह बहुत प्यारा है ड्रेस। और ये हो गए केचर वगैरह, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और कितने हैं ये माशाल्लाह? जो ब्राइड है उनके बाल बहुत हैवी और घने हैं, तो इनके हिसाब से माशाल्लाह बड़े बड़े लिए हैं। एक ये रहा, चलिए जी ये भी। और ये उसका बॉडी स्प्रे है, हेयर स्प्रे है हो गए। और ये कॉस्मेटिक का, ये बीबी का आ गया वो लिक्विड, ये और ये देखिए हस्बैंड जी ने सारी पेंट निकाल के फैला दी इसमें, माशाल्लाह सारे कलर हैं नेल पॉलिश के, सारे कलर बहुत खूबसूरत हैं। और शादी तकरीबन सर्दियों में होगी, तो इस हिसाब से कलर बहुत डार्क डार्क हैं। और यहाँ पर ये लिप ग्लॉस हैं, इन सारे हुदा वालों के हैं, लिपस्टिक लिप शाइनर और लिपस्टिक हैं। यहाँ और ये हो गया लाइनर मस्कारा, और ड्रेस मैंने पहले देख लिए थे, वहाँ ड्रेस भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। ये वो थिनर नेल रिमूव ग्लोस पाउडर हो गया, और ये तीनों के पत्ते हो गए। और यहाँ पर ये हो गए ब्लश ऑन किट, ये शाइनर हैं, आई शाइनर वाले हैं, आईज वाले हैं शाइनर वाले हैं। और ये दूसरे वाले हैं मैडम, ये क्रीम है। और ये ब्रश सेट हो गया, अभी इसका अभी कुछ सामान इनका रहता है, ये इनकम्प्लीट सामान है, अभी कम्प्लीट सामान नहीं है माशाल्लाह। और ये बाबा लेके आए इस्लामाबाद से ना अज़र नो, और ये बाबा लेके आए इस्लामाबाद से। तो चले जी, माशाल्लाह सब बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, अल्लाह पाक इनको ये सब बरतना नसीब करे, आमीन। अल्लाह पाक इन दोनों की जमाल पाए और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक आपके घर में से खुशियाँ नसीब करे, आमीन। चले जी, सारा फिर से हम दोबारा अंदर रख देते हैं, मेरे दोनों बच्चे सोए हुए इसलिए हम यहाँ पर बैठ के आराम से सारी चीज़ें वगैरह देख रहे हैं। चले जब हम समेट के रख देते हैं। ओके, बस हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आपके घर पर, यहाँ पर शादी की तैयारी चल रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये इनका छोटा मोटा सामान है, ये ज़ुबैदा का मतलब ज़ारा का, इन्होंने ये शादी के हिसाब से सारे शॉपिंग वगैरह की हुई है। तो ये देखें छोटे छोटे बीट्स वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये चूड़ियाँ किसकी? ज़ारा की हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, मल्टी ऐसे ली हुई हैं। ये लिप ग्लॉस वगैरह है, और यह हाथ में पहनने की वो है जो कलाई में पहनते हैं ब्रेसलेट। और यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ब्राइड का सामान रखा हुआ, ये भी हम आपके साथ कुछ देर में शेयर करते हैं। और ये किट है, ये इस तरह की है किट। और दूसरा ये वाला है, ये सारे आई शेड हैं। और साथ में यहाँ पर्स हैं, जो ज़्यादा पर्स खोल के अपने दिखा रही हैं, ये भी अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे हैं लेदर के। ये सारा सब कुछ सामान इस्लामाबाद से आया है, ये कल रात में आया है सारा सामान, तो हम चले जी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये ड्रेस वगैरह ये भी वहाँ से है इस्लामाबाद से। और ये दुपट्टे कहाँ के? मेहंदी मेहंदी वाले ड्रेस के साथ के हैं,
ये मेहंदी वाले ड्रेस के साथ के दुपट्टे हैं, ये भी कल रात इस्लामाबाद से आए हुए हैं। तो आप ही के घर पे यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये ज़ुबैदा का, एक ज़ारा का, मतलब एक ब्रेड का भी इसी में, नो ब्रेड का इसमें नहीं है, ये दोनों बहनों का इनका। तो चलें जी, अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ दिखाए, सबको घर में ऐसी दोनों के अता फरमाएँ। और दूसरी यहाँ पर ये मेहंदी वगैरह की चूड़ियाँ हैं, ये देखें, ये भी मेहंदी की चूड़ियाँ हैं, ये भी सब कुछ इस्लामाबाद से आया हुआ है, इन्होंने वहीं से ऑर्डर करवाया है, ऑनलाइन लिया नहीं। ओके, और ये रिंग वगैरह हैं, ये जो जो इन्होंने ड्रेस ले लिए हैं उसके साथ ये रिंग वगैरह लेती जा रही हैं। ये आई थिंक मेहंदी की हैं मल्टी, और ये परात और वलीमे की, ये देखो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पर लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, सही लाइट नहीं है, सही चीज़ें नज़र नहीं है, और चीज़ें माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और दूसरी चूड़ियाँ ये भी मेहंदी की है ना, ये भी, और ये भी मेहंदी की चूड़ियाँ हैं। और ये वाली चूड़ियाँ सबसे अलग और डिफरेंट है, ये बहुत प्यारी लग रही हैं, ये मेहंदी के हिसाब की चूड़ियाँ, ये देख सकते हैं। ये किसकी हैं, आपकी है सवेरा, ये ज़ारा की हैं, कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी के हिसाब से चूड़ियाँ, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं चूड़ियाँ। ओके, वैसे यहाँ देख सकते हैं ये मेहंदी के ड्रेस के साथ के दुपट्टे हैं, मेहंदी के ड्रेस हमने देख लिया, वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने टेलर को सिलाई करने के लिए दे दिए गए हैं। और ये दुपट्टे हैं जो कि कल रात को आया है, तो इसलिए देख रहे हैं कि ड्रेस भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे और बहुत डिफरेंट हैं। और ये अलग दुपट्टा है, ये बड़ी सिस्टर का है, ये छोटी सिस्टर का है, अच्छा ये बड़ी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर का है, सॉरी ज़ारा, बस ज़ारा का, नहीं मामी ऐसे नहीं ऐसे। तो चलें, ये ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं इनके, मैंने देखे हैं, और ये दुपट्टे ये भी बहुत प्यारे हैं, फैंसी दुपट्टे हैं, इस तरह के मैंने किसी के पास अभी तक ये मेहंदी के ड्रेस नहीं देखे जिस तरह के इन्होंने ऑर्डर करवाए हैं, बनवाए, माशाल्लाह से बहुत प्यारे ड्रेस हैं। ओके, बस यहाँ देख सकते हैं ये स्टील की प्लेट है वगैरह, देखो बच्चों ने किस तरह करके, ये तीन बड़ी ट्रे हैं, ये तीन इस तरह की थाले हैं, छोटी बड़ी इस तरह की तीन हैं ये, और ये छः प्लेटें हैं, और यहाँ पर ये ट्रे हैं जिसको काटने का हल करा है बच्चों ने, ये तीन छोटी बड़ी इस तरह की ट्रे हैं, और ये इस तरह के दो मगे हैं, और 6-12 प्लेटें हैं, और ये इस तरह के कटोरे लिए हैं स्टील के, देख सकते हैं अच्छे लग रहे हैं इस तरह के मेरे पास, यहाँ पर इस तरह के खाली स्टील के मिलते हैं। और दूसरा डिनर सेट कांच का है, वो उस तरफ रखा हुआ है, और अभी थर्मोस में उठा के ऊपर रख दिया, फिर बच्चे आ रहे थे इसने सोचा उठा रख दें, बच्चे ख़राब कर देंगे, ये ज़्यादा बात है, सारा उठा उठा के रख लिए, ये काटा ना जो फट चुका है, अगर मैं शादी की तैयारी चल रही हूँ, अभी जो कप आए थे देखे, इस कप में चाय भी बन के आ चुकी है, और यहाँ पर शाम हो चुकी है, मौसम देखा कैसा होता है, और मामा यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं, और जलील का बैग वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, सारी चीज़ें, बच्चों के सूट वगैरह वो अंदर रखे हुए हैं। जमाल भाई उठा के देख रहे हैं, इनको समझ में आती है नहीं आती है, इतनी बड़ी अच्छी सी बड़ी सी चादर है, ये इस तरह औरतें आती हैं घर में चीज़ें बेचने के लिए, उस दिन छोड़ने वाली आई थी, वो छोड़ने वाली थी, बनाना खुल गई थी, ये देखें। यहाँ पर इस तरह घर में ले भी सकती हैं बेडशीट वगैरह बेचने के लिए, और यहाँ पर आएंगे बेडशीट बेचने के लिए, पता नहीं बिलाल भाई ये लोग जा रहे थे, बाबा ने कहा आप लोग नहीं जाओ, ये घर पर आ जाएं, बिलाल भाई लोग जा रहे थे सदकाबाद और चीज़ें वगैरह लेने के, लेकिन ये हम घर पर डिलीवर हो चुका है। ओके व्यूअर्स, यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर बिलाल भाई अभी ये अमरूद लेके आए हैं, अमरूद ये कहाँ का बताया था बिलाल भाई आपने, शरदपुर, ये शरदपुर का ये अमरूद लेके आए, यहाँ का अमरूद बहुत ही मीठा और लज्जत वाला होता है, और जायका इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इस तरह काट के खा रहे हैं, बहुत जायके वाला अमरूद है ये, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर देखें मोहम्मद खान को चेक करें, चलेंगे हम और निकालते हैं, और बाकी फ्रिज में रख के ठंडे करके खाते हैं, शरदपुर शरीफ वहाँ का ये अमरूद है। ओके, आज अभी किचन में बना है क्या, चिकन अलवी, तो मुझे
नहीं खाना, मैंने कहा मैं चिकन और भी नहीं खाऊंगी, इसलिए जुबेदान मेरे मेरे लिए इस टाइम पर ओके बस यहाँ पर अनाज बना है आप ये किचन में है चिकन और अरवी जो कि मुझे नहीं खाना, मैंने कहा मुझे अरवी नहीं खानी तो इसलिए जुबेदान मेरे लिए यहाँ पर चटपटे से तवा फ्राई मज़ेदार से आलू बनाए, इस पर जुबेदान ने नींबू भी छिड़क के रख दिया है, मतलब ऐड कर दिया है खट्टा, और यहाँ साथ नहीं देखते तवे पर बनाए हैं, और यहाँ पर इस तवे इस कढ़ाई में जुबेदा ने अरवियाँ फ्राई की थी, और यहाँ पर ये मेरे मज़ेदार तवा फ्राई मज़ेदार से चटपटे से आलू। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, खाने का टाइम, खाना खाने जा रहे हैं।